सरस्वती रविशुक्र बृहस्पतीन् पञ्चैतान् संस्मरन् नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री वेदपुरुषाय नमः, श्री मद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। देखिए, मथुरा उत्तर प्रदेश से के कृष्णमूर्ति जी हैं, वर्ण इनका ब्राह्मण है। इन्होंने एक प्रश्न किया हुआ है कि लहसुन प्याज को असात्विक भोजन क्यों मानते हैं और लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, ऐसा किस ग्रंथ में लिखा है? कृपया उस ग्रंथ का रेफरेंस देने की कृपा करें, बतलावें। देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ बहुत से अभक्ष्य पदार्थ हैं जिनको नहीं खाना चाहिए। शास्त्रों में कई अभक्ष्य पदार्थ बतलाए गए हैं, उनमें से कुछ विशेष हैं जो तामसी होने के कारण, कुछ में नाम दोष होने के कारण, किसी में रूप दोष होने के कारण, किसी में रंग दोष होने के कारण। शास्त्रों ने, अन्य भी कई कारण हैं जिसके कारण से शास्त्रों ने उनको अभक्ष्य बताया है। तो देखिए, जैसा आपने कहा कि भाई ये कहाँ लिखा है कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, इसमें कौन सा शास्त्र प्रमाण है? तो देखिए, मनुस्मृति में कहा गया है। मनुस्मृति, जी हमारे पास में मनुस्मृति है, मनुस्मृति के पांचवें अध्याय में पांचवें श्लोक के रूप में लहसुन और प्याज को खाना मना बतलाया गया है। लहसुनम ग्रंजनम चैव पलांडुम कवकानि च अभक्ष्यानि द्वियातीना मवेद्य प्रभवानि च। तो लहसुनम माने लहसुन को और ग्रंजनम माने गाजर को। भाई, गाजर का हलवा छोड़ना पड़ेगा। गाजर आप जो है खाते हैं, गाजर के लिए मना कर रहे हैं। सबसे पहले लहसुन, फिर ग्रंजन, गाजर नहीं खाना है। और पलांडुम माने प्याज को, और कवक, कवकानी च, कवक माने होता है कुकुरमुत्ता, जिसको आजकल क्या कहते हैं, मशरूम इंग्लिश में, वो कुकुरमुत्ता है। हमारे यहाँ तो नाम सुन के ही आदमी नहीं खाएगा। कुकर माने होता है कुत्ता, और मुत्ता माने मूत देता है, वो तब वो पैदा होता है। ऐसी मान्यता है कि कुत्ते जिस जगह पे मूतते रहते हैं वहाँ से पैदा होता है, नाम से यही अर्थ लग रहा है। संस्कृत में यद्यपि उसको कवक कहते हैं, लेकिन ये मान्यता गांव में भी है। उसको छत्र डंड कहते हैं, जो ऊपर निकल जाता है छाता सा, बच्चे उसको ले लेते हैं। हमारे यहाँ भी यही मान्यता, हमारे यहाँ सब लोग कहते हैं जो है MP भिंड में कि भाई वो तो कुकर मुत्ता है, कुत्ते के मुंह से पैदा होता, तो वो नहीं खाना है भाई। कि अभक्ष्याणि द्विजातीना, द्विजातियों के लिए, द्विजाति माने ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों के लिए अभक्ष्याणि, इनको नहीं खाना है। क्योंकि अमेध्य प्रभवाणि च, क्योंकि ये अभक्ष्य हैं, अमेध्य हैं, ये है अमेध्य भूमि से अथवा वस्तु से उत्पन्न शाकादि, और भी कोई भी अमेध्य चीजें हैं जो अयज्ञीय हैं, जिनको अशुद्ध बतलाया गया शास्त्रों में, वे सब ही त्याज्य हैं। ऐसी भूमि पर उत्पन्न हो जहाँ से त्याज्य हैं, ऐसे गुण वाली हों, ऐसे तामसी त्याज, उन सब का निषेध है। अब कई चीज लोग जो है पूछते हैं और फिर कहते भाई इसमें कथा क्या है, और जब शास्त्र कह रहे हैं तो शास्त्र विश्वास नहीं है। भाई इसमें क्या कथा है, क्यों नहीं करते हैं, कहाँ से उत्पन्न है? तो कोई ना कोई, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, लोगों को रिझाने के लिए अपना कुछ बतला देते हैं कि अमुक भूत ने उत्पन्न किया है, अमुक पिशाच ने उत्पन्न किया, अमुक का गला कट गया था, वहां से दो बूंद टपक गई, वहां से अमृत से उत्पन्न, कोई मल से उत्पन्न बता रहा है ना। कई जगह जो है यूं बतलाया गया है कि भाई गाय के रक्त से उत्पन्न है। यदि ऐसा नहीं भी हो, ध्यान देना, यदि ऐसा कथा किसी की नहीं भी हो, और जो है अगर मनु महाराज निषिद्ध कर रहे हैं
तो वो निषेध ही है, वो नहीं खाना चाहिए। कहीं भी इतिहास या कोई कथा, यद्यपि हमारे यहाँ पुराण परम प्रमाणित है, उसमें कोई शक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन कोई भी इतिहास या कथा वो विधि निषेध में या इस तरीके के प्रमाणों में या विधि निषेध में उनका जो ग्रहण नहीं होता है, वहां तो विधि वाक्य ही प्रमाणित होते हैं। ठीक है, तो ये जो इस विधि वाक्य कहाँ मिलता है, स्मृतियों में, और स्मृति में ही विधि वाक्य, क्योंकि न भक्ष्याणि द्विजातीनां, है ना, लशुनम ग्रंजनम चैव पलांडुम कवकानि च अभक्ष्याणि द्विजातीनां, द्विजातियों के लिए अभक्ष्य है ये स्पष्ट कह दिया गया, निषेध कर दिया गया, निषिद्ध वचन है। तो भाई अगर कोई स्मृति में आ गया तो बस ओसा पुराण और इतिहास में आ गया, इतिहासों में पुराणों से ज्यादा स्मृति प्रमाण है, और समस्त स्मृतियों से मनुस्मृति प्रमाण है। यदि कोई भी स्मृति मनु के विपरीत है, जो मनु के विपरीत कहता है, तो वो अंश मान्य नहीं है धर्मशास्त्र में, सनातन धर्मियों को मनु के विरुद्ध मान्य नहीं है, क्योंकि मनु जो कहते हैं वो वेद सम्मत ही है, वेद वाक्य ही है। इसलिए तो मनु ने जो कह दिया, 18 पुराणों ने कह दिया, अष्टादश आदि स्मृतियों ने कह दिया, और वही बात जो चारों वेदों ने कह दी। तो जब मनु वाक्य मिल रहा है कि भाई नहीं खाना चाहिए, तो उनको कथा बताइए कि भाई कौन सी कथा, इसकी आवश्यकता नहीं है। आप लहसुन प्याज है ना, और वृक्षों से निकलने वाला गौंद, और ये जो है कवक मशरूम, इसको छोड़िए, गाजर तो इसको छोड़िएगा, क्योंकि ये अमेध्य है, ये तामसी भोजन है, ये बुद्धि विभ्रंसित करेगा, कई कारण हैं, कथाएं हैं, ऐसे प्रकट हुआ है, कुछ भी मान ले, मुख्य बात यही है कि शास्त्र निषिद्ध करते हैं तो निषिद्ध है, क्योंकि धर्म क्या है, वेद प्रणहितो धर्म, यह धर्म तद विपर्य, जो वेद जिसके लिए विधान करते हैं वही धर्म है, और जिसके लिए निषेध करते हैं वो नहीं करना। उसमें चाहे तुम्हारी बुद्धि से समझ में आए, चाहे कोई कथा समझ में आए हो या ना हो, शास्त्र कहते हैं नहीं करना है तो बस नहीं करना, और करना है तो वो करना है, उसको छोड़ना नहीं है, यही इसमें प्रमाण है, धर्म में शास्त्र ही प्रमाण है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ, वहाँ कोई इतिहास आर्ष वही यहाँ से उत्पन्न हुआ है, तो वो जो अत्याज्य और जगह से उत्पन्न हो, तो कोई कहता है कि भैया जी अमृत से उत्पन्न है लहसुन प्याज, अच्छा अमृत से हो तब भी त्याज्य है, मल से हो तब भी त्याज्य है, गौ के रक्त से हो तब भी त्याज्य है, भगवान की कृपा से हो, समझ रहे ना, भगवान की कृपा से, भक्तों के हृदय से अगर लहसुन प्याज की कोई ऐसी कथा हो तब भी त्याज्य है, क्योंकि भगवान मनु मना करते हैं, समझे, ये है धर्मशास्त्र में प्रमाण, शास्त्र में प्रमाण ये है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि नहीं खाना है तो नहीं खाना, चाहे उसका उद्भव स्थान अमृत ही क्यों ना हो, फिर भी, क्योंकि शास्त्र मना करते हैं कि नहीं खाना। तो ये ऐसा विश्वास शास्त्रों पर रखिए कि शास्त्र ने कह दिया तो कह दिया, उसमें चाहे कोई कथा, हाँ कथा इसीलिए है, कथाओं का जो कथा है या विस्तार है वो सब इसी का विस्तार करते हो, इससे अलग नहीं है, इसको कहने से यूं मत समझिए कि मैं कोई कथाओं का खंडन कर रहा हूँ, नहीं नहीं, कथाएं ऐसे प्रकार की फिर हैं, पुराणों में हैं, लंबी लंबी कथाएं हैं, पर हैं वो स्मृतियों के आधार पर ही, क्योंकि स्मृतियों में निषेध है, अब निषेध लोगों को समझ में नहीं आता है, तो धीरे धीरे समझाने के लिए कोई ऐसी कथा है, ऐसी है, वो भी गढ़ी नहीं है, कथा भी शाश्वत ही है, तो इसी रूप में है। ठीक है जी, तो जो शास्त्रों में निषिद्ध किए हैं उनका परिवर्जन करना चाहिए। हर हर महादेव।